नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप फेसबुक चलाते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि जब आप किसी की प्रोफाइल पर जाते हैं तो वहाँ पर ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का ऑप्शन आया करता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी फॉलो के ऑप्शन के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, जब आप एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको सिंपल ऐड अ फ्रेंड का ऑप्शन ही मिलता है, लेकिन कुछ सेटिंग करने के बाद आपको फॉलो का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि चाहे वहाँ पे ऐड अ फ्रेंड हो या फॉलो का ऑप्शन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इससे फर्क पड़ता है। जैसे आपके प्रोफाइल पर ऐड अ फ्रेंड का ऑप्शन ही लगा है तो जब आपको कोई रिक्वेस्ट करेगा तो सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट ही आपके पास आएगी। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में फॉलो का ऑप्शन लगा है तो जब आपको कोई रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट करने से पहले वो फॉलो करेगा आप, उसके बाद ही वो आपको रिक्वेस्ट भेज पाएगा। इससे आपके फेसबुक के फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलो का ऑप्शन लगाने का तरीका बताऊंगा। बस आप वीडियो को अच्छे से समझिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, मुझको फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलो बटन लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फेसबुक को अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फेसबुक को ओपन करना है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। मेरी प्रोफाइल पर ऐड अ फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे अपनी प्रोफाइल पर जाकर यहाँ पे थ्री डॉट पर जाएंगे तो व्यू एज का ऑप्शन आपको मिलेगा। व्यू एज का मतलब होता है जो दूसरा बंदा जो हमारी प्रोफाइल को देखेगा उसको कैसे हमारी प्रोफाइल दिखेगी। तो देखिए, आप दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। देखिए, अभी भी यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन ही आ रहा है। इसकी जगह आप फॉलो बटन लाने के लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर पर हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप देखेंगे यहाँ पे एवरीवन होगा, तो एवरीवन से हटा के आपको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पर कर देना है। फिर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो आप अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, या फिर आप जिसको करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स पर ही क्लिक किए दे रहा हूँ। फिर बाकी आप अपनी ईमेल और ये फ़ोन नंबर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद Who can see your future post, तो इस पर आपको friends of friend इस पर भी आपको कर देना है। फिर आपको back आ जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, Who can see your stories, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। इसको भी आप अपने हिसाब से ही रखिएगा, इससे देखिए कोई मतलब नहीं है। फिर आपको देखिए लास्ट पे ऑप्शन एक मिलेगा, Who can see your future reels, तो यहाँ पे भी आपको friends of friends कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको back आ जाना है। दोस्तों, इतनी सेटिंग चेंज करने के बाद आपको वापस आ जाना है और फिर से आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, फॉलो सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पहला ऑप्शन मिलेगा, हु कैन फॉलो मी, तो यहाँ पर आपको पब्लिक कर देना है। अब जैसे ही पब्लिक करेंगे तो देखिए नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, योर सेटिंग हैव बीन अपडेटेड। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और आपको फिर से देखना है व्यू एज पर। तो देखिए, जैसे मैं व्यू एज पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने फेसबुक प्रोफाइल में ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का ऑप्शन लगा सकते हैं। दोस्तों, ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आपके फेसबुक प्रोफाइल पर ऐड अ फ्रेंड की जगह फॉलो का ऑप्शन आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आपने शायद कोई गलती कर दी होगी, इसलिए आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज के लिए इतना ही। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।